पीपीएससी की तैयारी करते हुए आप एक बात याद रखेंगे, आपने सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी करनी है, सिर्फ पास्ट पेपर्स ही नहीं करने, सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी करनी है, यानी इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, एविडेंस साइंस, मैथ, हर सब्जेक्ट आपने अलहदा अलहदा भी तैयार करना है। तो दो तरह तैयार करना है आपने, एक तो वैसे सब्जेक्ट को अच्छी तरह करना है, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी है तो आपको मैप पे भी कमांड होनी चाहिए, आपको पता हो कि कंट्रीज किधर किधर हैं। इसी तरह इंग्लिश है तो आपको टेंसेस अच्छी तरह आते हों, ग्रामर पे आपकी कमांड हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वाइज आप इन पोर्शंस को कवर करें। दूसरा, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आपने कवर करना है। तो आज हम पाकिस्तान अफेयर्स के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अला बख्श ये कौन थे? तो ये फेमस पेंटर थे पाकिस्तान के। शर्मीन उबैद चिनाई के बारे में पूछा गया कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड उनकी किस डॉक्यूमेंट्री पे मिला था? तो एक तो उन्हें सेविंग फेस पे मिला था और सेकेंड अ गर्ल इन द रिवर पे भी उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। सेविंग फेस, जो पाकिस्तान में औरतों पे तेजाब फेंक दिया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाई गई थी, और गर्ल इन द रिवर ये डॉक्यूमेंट्री है ऑनर किलिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबर्जी इन लाहौर इज वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स बिलोंगिंग टू मुगल पीरियड। तो ये ज़ैबुन्निसा के लिए बनाया गया था। ज़ैबुन्निसा कौन थी? She was the daughter of Mughal Prince Aurangzeb. ये औरंगजेब की बेटी थी। Next question है, What was the real name of famous Pakistani actor संतोष कुमार? तो संतोष कुमार का असली नाम था सैयद मूसा रजा। Next question है, Which article of 73 constitution provides that no person shall be deprived of life and liberty save in accordance with law? तो ये article 9 है, इसी तरह article 10 A है, वो right to fair trial को deal करता है। article 10 A of the 73 constitution deals with right to fair trial। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ मिनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। तो आर्टिकल 36 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये मिनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है, यानी जो मिनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री में, उनके राइट्स की बात करता है आर्टिकल 36। क्वेश्चन है, मिर्वन मिडल कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी एयर फोर्स वाज अ हीरो ऑफ 1965 वार विद इंडिया, व्हाट वाज हिज रैंक? तो वो विंग कमांडर थे। ऐसे आपको विंग कमांडर अभिनंदन का भी पता है, तो ये एयर फोर्स में डिफरेंट रैंक्स होते हैं, एयर कमांडर भी होते हैं, विंग कमांडर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सक्सीडेड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो के 2006 में बनी थी, इससे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था, और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, यानी पाकिस्तान जो दूसरे ममालक को चीज़ें भिजवाता है और उससे पैसा मिलता है, इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है, और ये 2006 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट अप्रोक्सीमेटली। तो 75 लाख में, यानी 7.5 मिलियन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोगरा राज को कश्मीर बेच दिया था, मुआहदा अमृतसर में 1846 में बेचा, 75 लाख का बेचा, और अमृतसर ट्रीटी था जिसके तहत कश्मीर बरतानवी हुकूमत ने बेच दिया डोगरा राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पाक पंजाब फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो ये कुर्बान अली खान थे, पहले आईजी थे पंजाब पुलिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name the Mughal emperor who died in 1556 after falling from stairs. तो कौन
से मुगल बादशाह थे जो सीढ़ियों से गिर के मरे थे, तो वो थे हुमायूं। पहले मुगल बादशाह थे बाबर, जो कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इब्राहिम लोधी को उन्होंने हरा दी थी जंग, और जंग जीत के पहले मुगल बादशाह बने, और उनके बेटे थे हुमायूं, और हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गए थे। इसी तरह के एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से मुसलमान बादशाह चुगान खेलते हुए मर गए थे, तो वो थे कुतुब अली शाह, जो कि पहले मुसलमान बादशाह थे हिंदुस्तान के। वो चुगान खेलते हुए मरे थे। चुगान जो है ये पोलो के करीब करीब एक खेल है, तो आप पोलो भी चूज कर सकते हो। इसी तरह सीढ़ियों से गिर के किन की डेथ हुई, तो ये हुई हुमायूं के, और हुमायूं अकबर के फादर थे और बाबर के बेटे थे, दूसरे मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन 1648 बाय एम्पायर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ नेम्ड मुमताज महल। तो ताजमहल बनाया था शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में, और ताजमहल आगरा में है। आगरा इंडिया के स्टेट यूपी में है, और ताजमहल जमुना रिवर के किनारे वाक्या है। इसके अलावा मुमताज महल का असली नाम था अर्जमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये थे नवाब सिराजुद्दौला। 1757 में जंग हुई थी अंग्रेजों और नवाब बंगाल के नवाब के दरमियान, और बंगाल को उस टाइम रूल कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला। इसमें नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेजी हुकूमत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और फिर बंगाल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय साहबजादा अब्दुल कयूम इन केपीके, फॉर्मर NWFP। आप जानते हैं केपीके को पहले NWFP कहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोवेंस, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, चूंकि ये इंडिया के शुमाल में था, मगरिब में था, और इसका आंसर है इस्लामिया कॉलेज पिशावर। साहबजादा अब्दुल कयूम खान ने इस्लामिया कॉलेज पिशावर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेन द पार्टीशन प्लान वॉज अनाउंस्ड इन 1947। तो ये क्लीमेंट एटले थे उस टाइम बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, जब बर्रे सगीर को पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ 1947 ऑल द हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैड एक्सीडेड टू इंडिया एक्सेप्ट। 1947 के आखिर तक तमाम हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स इंडिया में शामिल हो गई थी सवाए, तो जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि हैदराबाद के जो राजा थे वो भी मुसलमान थे, जूनागढ़ के राजा भी मुसलमान थे, लेकिन इनकी आबादी ज्यादातर जो इन स्टेट्स की थी वो हिंदू थी। तो इन राजाओं का इरादा तो ये था कि पाकिस्तान में शामिल हुआ जाए, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं होते तो कम से कम एक अलहदा मुल्क बना लें, लेकिन बाद में इंडिया ने इन स्टेट्स पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर है हैदराबाद और जूनागढ़, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो नॉर्दर्न एरियाज को अब हम गिलगत बल्तिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फेयर ट्रायल was inserted in the constitution of Pakistan through, तो ये 18th amendment के जरिए right to fair trial शामिल किया गया था। Next question है, चुबर्जी in Lahore was the gateway to the garden built for princes, तो ये princes ज़ैबुन निसा के लिए बनाया गया था, और ज़ैबुन निसा औरंगजेब की बेटी थी। Next question है, the sole spokesman, ये बुक लिखी थी डॉक्टर आयशा जलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो ये फ्रांसिस मूडी थे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आए कि पहले नेटिव गवर्नर कौन थे पंजाब के, यानी मुकामी गवर्नर, या पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे पंजाब के, तो वो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who was the first person to hold the post of chief executive. तो चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ परवेज मुशर्रफ ने ही अज्यूम की है, पहले भी वो हैं, आखिरी भी वो हैं और ओनली भी वो हैं। तो क्वेश्चन डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, या लास्ट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, या ओनली चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। तो सबका आंसर परवेज मुशर्रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई वाज द फेमस, तो ये पाकिस्तान के फेमस पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज टाइटल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान के वालिद का नाम था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड साइमन कमीशन, who led the breakaway section of the Muslim League which supported the Simon Commission। तो आपको पता होना चाहिए Simon Commission का ऐलान हुआ था 1927 में, 1928 में Simon Commission आया था और मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो Simon Commission जब आया तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे, तो एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, जबकि साइमन कमीशन ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना था। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने साइमन कमीशन का बाइकाट किया। लेकिन सर मोहम्मद शफी जो के मियां मोहम्मद शफी जो के मुस्लिम लीग के एक हिस्से को हेड कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, साइमन कमीशन के साथ ताउन करेंगे। तो इसका आंसर है मियां मोहम्मद शफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था जिसमें मिनोरिटीज जैसे मुसलमान सिख इनको अलहदा सीट्स दे दी गई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट है कि देखें, जैसे अगर तो जॉइंट इलेक्टोरेट होते, अब इमेजिन करें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100,000 लोग रहते हैं जिसमें से 30,000 मुसलमान है, 70,000 हिंदू हैं, तो यकीनन उसमें हिंदू ने जीतना था। दूसरे एरिया में 45,000 मुसलमान है, 55,000 हिंदू है, तो वहां भी यकीनन हिंदू ने जीतना था। उससे अगले में 49,000 मुसलमान है लेकिन 51,000 हिंदू है, तो तब भी हिंदू ने जीतना था। तो इस तरह तो ज्यादातर हिस्सों में हिंदू जीत जाते। तो इसका हल था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी ओवरऑल देख लिया जाए कि मुसलमानों की कितनी आबादी है, यानी 1/3 अगर मुसलमानों की आबादी है, 1/3, तो उन्हें 1/3 सीट्स दे दी जाए, उनके लिए मुख्तस कर दी है, यानी उन सीट्स पे सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होगा और उसको वोट भी मुसलमान देंगे। मुसलमान चाहे कांग्रेस की तरफ से है, चाहे मुस्लिम लीग की तरफ से है, उसको मुसलमान ही वोट देंगे, यानी मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जितने मुसलमानों की आबादी है कम अज कम उतनी तो उनको सीट्स मिले, जबकि वैसे तो हिंदू मेजोरिटी थी तो सारे हिंदू जीत जाते। तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया, कम्युनल अवार्ड के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और ये 1932 में आया। उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1911 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज कॉर्नेशन एट द दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज फाइव अनाउंस्ड अनलिमिट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को डिवाइड किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। हिंदुओं ने इस पर बहुत ज्यादा एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म होनी चाहिए। इसके बरक्स मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। बाद में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म कर, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी।
यहां तक कि 1911 में किंग जॉर्ज फाइव ने हिंदुस्तान आना था। किंग जॉर्ज फाइव बर्तानिया के बादशाह थे। अब कांग्रेस ने धमकी दी कि जब किंग जॉर्ज फाइव आएंगे और वो खिताब करेंगे तो उस तकरीब का हम बायकॉट कर देंगे, यानी कोई भी हिंदू या कांग्रेस मेंबर नहीं जाएगा किंग जॉर्ज फाइव की स्पीच सुनने। हुकूमत इस धमकी से घबरा गई, क्योंकि अगर कांग्रेस ही ना आती जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी तो किंग जॉर्ज फाइव को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। इसीलिए हुकूमत ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया, यानी मनसूख कर दिया। तो 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल मनसूख कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चौधरी रहमत अली इशूड द पैम्फलेट नाउ एंड नेवर इन 1933 वेयर वाज ही स्टडिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे चौधरी रहमत अली, और इन्होंने नाउ और नेवर के नाम से एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तजवीज दी। 1933 में ये लिखा गया, चौधरी रहमत अली ने लिखा नाउ एंड नेवर के नाम से। उस टाइम वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे और कैम्ब्रिज में ही वो दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम सीटो। सीटो एक एग्रीमेंट था जो कि 1954 में साइन किया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एब्रीवेशन है, और पाकिस्तान ने इसे 1973 में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मशरकी पाकिस्तान में हमारी इंडिया से जंग हुई और बदकिस्मती से हमें जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, और सीटो पैक्ट का पाकिस्तान मेंबर था, लेकिन हमारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। इस वजह से पाकिस्तान ने 1973 में सीटो को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जलियांवाला मसैकर टुक प्लेस इन। तो जलियांवाला मसैकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला के मुकाम पे हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर में है जो कि इंडियन पंजाब में है, और वाक्य आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे और जनरल डायर ने बरतानवी फौजियों को हुक्म दिया कि इन नहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी जाए, और गोलियां चलाने के नतीजे में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो ये वाक्या है 13 अप्रैल 1919 का, और वैसे जलियांवाला मसैकर पे हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जो कि पाकिस्तान हिस्ट्री की तैयारी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्मड इन इंडिया इन 1946, हु वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान वजीर खजाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच प्रोवेंस हुसैन शहीद सोहरवर्दी बिलोंग्ड टू। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ताल्लुक मशरकी बंगाल से था, यानी मशरकी पाकिस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान लीव द कॉमनवेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर रीज्वाइनिंग इट इन 1989। तो यह है 1972, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर था। कॉमनवेल्थ क्या होता है? वो कंट्रीज जो बर्तानिया से आजाद हुए थे उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है कॉमनवेल्थ के नाम से, और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है लंदन में। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ क्यों छोड़ी? क्योंकि मशरकी पाकिस्तान जब हमसे अलहदा हुआ तो बांग्लादेश की सूरत में नया मुल्क बना, तो ज्यादातर जो ममालिक थे कॉमनवेल्थ के उन्होंने बांग्लादेश को कंट्री तस्लीम कर लिया, इसलिए पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the retirement age of the Supreme Court judge of Pakistan? तो वो है 65 years, 65 साल के जब हमारे जज हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो रिटायर हो जाते हैं। इसके बरक्स
अगर उनकी एज वो अगर वो हाई कोर्ट के मेंबर हो, हाई कोर्ट के जज हो, तो 62 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 65 और हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जनरल अयूब खान ने सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी कौन थे? तो ये पर्शियन पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायनिज्म सोलर पार्क किधर है? तो ये बहावलपुर में है, और बहावलपुर के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से तो लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस पुलिस ऑफिसर हैज रिटन द बुक पुलिस क्राइम एंड पॉलिटिक्स। तो ये लिखी है हाफिज एस डी जैमी ने, ज्यादातर बुक्स में इसका आंसर लगा हुआ है सरदार मोहम्मद चौधरी, जो कि गलत है, इसका आंसर है हाफिज एस डी जैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर सलाहुद्दीन कदीर चौधरी वॉज हैंग्ड इन बांग्लादेश, टू विच पोलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग। तो उनका ताल्लुक था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब आप तो सोच रहे होंगे उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था और इस वजह से उन्हें फांसी दी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए जमात इस्लामी नाम नहीं था, उन्होंने नाम बाद में बदल लिया था, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से उनका ताल्लुक था। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो बानी थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। उस टाइम बहुत सारे बंगालियों ने इस बात की मुजामत भी की थी कि बांग्लादेश बनाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, जिसमें उस टाइम की जमात इस्लामी भी शामिल थी। और अब हसीना वाजद जो के बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन तमाम लोगों से जिन्होंने उस टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उनसे इंतकाम ले रही हैं, और बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई है। इन्हीं में सलाहुद्दीन कदीर चौधरी भी शामिल हैं, जिनका उस टाइम ताल्लुक जमात इस्लामी से था, अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से उनका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ द पंजाब इज एसोसिएटेड विद सोनी मेवा। तो सोनी मेवा जो कि किस्सा फजल शाह ने लिखा था, इनका इसका ताल्लुक है चनाब रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू पीर इज फेमस फॉर। तो मंगू पीर अपने सल्फर स्प्रिंग्स की वजह से मशहूर है। लाखड़ा टाउन इज फेमस फॉर इट्स। तो लाखड़ा टाउन मशहूर है कॉपर माइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान मोस्ट फेमस पेंटर। तो वो है सादी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान शेर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जान शेर का ताल्लुक है स्क्वैश से। थर्ड डेजर्ट इज फेमस फॉर। थर्ड डेजर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है एरिया के लिहाज से, और ये क्यों मशहूर है, यहाँ कोल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बहुत अरसे तक बिजली बना सकता है सिर्फ कोयले से। तो ये क्यों मशहूर है, थर के डेजर्ट्स कोयले के लिए मशहूर हैं। नस्ट क्या है? तो नस्ट इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है। तरबेला डैम सबसे बड़ा दुनिया का डैम है, अर्थ फील्ड डैम, ये मिट्टी से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। थैंक यू। और आपने क्वेश्चंस सिर्फ रट्टा नहीं लगा लेने पास्ट पेपर्स के, बल्कि उन्हें समझ के याद करने, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है भी क्या। अगर आप सिर्फ जस्ट रट्टा लगा लेंगे क्वेश्चन को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको पेपर में जाके क्वेश्चन भूल जाएगा। तो अब जैसे नस्ट क्वेश्चन है, नस्ट क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता हो कि यूनिवर्सिटी है किधर। इसी तरह अगर जलियांवाला बाग के बारे में पूछा गया ये कब हुआ था, तो आपको ना सिर्फ ये पता हो कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बल्कि आपको इसके वाकई के बारे में भी पता हो, फिर आपको ये ज्यादा अरसे तक क्वेश्चन याद रह सकता है। थैंक यू।